Again, good morning everybody. Today we will discuss what are the difference between hatch, include, angle bracket, studio dot hatch and hatch, include, double quoted studio dot hatch. दोनों में अंतर क्या है? सर क्या होता है ना कि जो हैच इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टूडियो डॉट एच लिखते हैं तो इसमें हम लोग पहले से मान के चलते हैं, ऑटोमेटिकली मान के चलते हैं कि इंक्लूड नाम के फोल्डर में एक स्टूडियो डॉट एच नाम का एक हेडर फाइल है जो कि पर्टिकुलर इंक्लूड नाम के फोल्डर में है। बट ये जो है डबल इनवर्टेड ये डिनोट करता है एक्सेसिंग ऑफ स्टूडियो डॉट एच थ्रू पाथ। इसमें क्या करते हैं कि इस हेडर फाइल को हम लोग एक्सेस करते हैं एक पाथ के थ्रू। अगर हम लोगों ने क्या किया कि स्टूडियो डॉट एच को इंक्लूड नाम के फोल्डर से कहीं बाहर रख दिया, इसको प्रैक्टिकली अभी हम लोग देखेंगे कि स्टूडियो डॉट एच नाम के हेडर फाइल को इंक्लूड नाम के फोल्डर से बाहर रख दिया तो प्रोग्राम मेरा रन नहीं होगा, प्रिंट एफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंट एफ स्टूडियो डॉट एच में है और स्टूडियो डॉट एच इंक्लूड नाम के फोल्डर से बाहर है, इसलिए ये अगर हेडर फाइल हम लोगों ने लिखा तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। फिर रन कैसे करेगा उसका भी उपाय है, हम लोग पाथ देंगे, इसके अंदर पाथ देंगे कि मेरा स्टूडियो डॉट एच है कहाँ एक्चुअली में, और वो पाथ देंगे फिर रन कराएंगे, ऑटोमेटिकली ये रन कर जाएगा। तो ये है कि ऑटोमेटिकली अगर हमारा हैच इंक्लूड ये मान के चलता है, अगर ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है मेरा स्टूडियो डॉट एच वो इंक्लूड नाम के फोल्डर में है। लेकिन इसमें क्या होता है अगर ऐसा लिखते हैं तो ये दर्शाता है कि हम लोग एक्सेस करेंगे स्टूडियो डॉट एच को तो किसी पाथ के थ्रू कर रहे हैं, और चूंकि अभी इंक्लूड नाम के फोल्डर में है तो इंक्लूड नाम के फोल्डर में है तो ये रन करेगा। बट अगर स्टूडियो डॉट एच को इंक्लूड नाम के फोल्डर से अगर बाहर निकाल दिया, किसी दूसरे फोल्डर में सेव कर दिया तो ये रन नहीं करेगा, तो हमको पाथ देना पड़ेगा इसको रन करवाने के लिए। ये चीज इसमें भी कर सकते हैं बट जनरली हम लोग मान के चलते हैं, ये माना गया है, ये एज्यूम किया गया है कि हम लोग बाई डिफॉल्ट जो है इंक्लूड नाम के फोल्डर में स्टूडियो डॉट एच है और उसके लिए हम लोग एंगल ब्रैकेट यूज करते हैं। अगर ये चीज जो चीज इसके साथ करेंगे फिर भी रन होगा, बट इसको हम लोग ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि हमारा जो स्टूडियो डॉट एच है वो क्या है इंक्लूड नाम के फोल्डर में रखा हुआ, ये मान के चलते हैं और हम लोग एंगल ब्रैकेट का यूज करके सारा प्रोग्राम करवाते हैं। अगर बाय द वे हटा दिए हम लोग स्टूडियो डॉट एच को उस इंक्लूड नाम के फोल्डर से तो ना तो ये रन करेगा ना ये रन करेगा, फिर रन करेगा अगर हम उसका पाथ दिए तो ये इस चीज को हम प्रैक्टिकली देखेंगे और इसी वीडियो में देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। और ये हमारा टर्बो सी कंपाइलर, इसको ओपन किए और इसे फाइल है मेरा, ये फाइल ओपन की है, ये satyam1.c है, ओपन की इसको और इस प्रोडक्ट इसको क्या किया हम लोगों ने रन करवाया, इसको हम लोगों ने रन करवाया तो बिना एरर का रन हुआ और प्रोग्राम में आउटपुट आया माय नेम इज सत्यम। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग बैक जाते हैं और फिर क्या करते हैं इसको प्रोग्राम को कट करते हैं और हम लोग अब फाइल जाके ओपन किया और satyam2.c है, इसमें क्या है कि इसमें डबल कोटेड वाला स्टूडियो डॉट एच है और डबल कोटेड वाला कोनियो डॉट एच है, इसको क्या किया हम लोगों ने रन करवाया, यह भी बहुत इजीली तरह से रन हो गया माय नेम इज सत्यम, इसका आउटपुट आया। अच्छा फिर अब क्या किया हम लोग यहां से क्विट करके अलग हुए। अब क्या करते हैं हम लोग जो सी टर्बो सी के फोल्डर को खोलते हैं, टर्बो सी के फोल्डर को खोलते हैं हम लोग
अब टर्बो सी के फोल्डर को हम लोगों ने लोकल सी में गए और यहाँ पे टर्बो सी थ्री है, इसको क्या किया हम लोगों ने ओपन किया। टर्बो सी थ्री में एक इंक्लूड नाम का फोल्डर है और इंक्लूड नाम के फोल्डर को हम लोगों ने क्या किया ओपन किया, और इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक स्टूडियो डॉट नाम एच नाम का हेडर या स्टूडियो नाम का हेडर फाइल है, इसको क्या किया हम लोग कट कर लिया, और कट करके इंक्लूड में नहीं सेव करके इसको एक दूसरे फोल्डर सत्यम में जाकर इसको हम लोग सेव कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब क्या वो प्रोग्राम रन करेगा, फिर से हम वो प्रोग्राम को खोलते हैं, अब क्या हुआ, अब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, प्रोग्राम रन नहीं किया, एरर आ गया, क्यों, क्योंकि स्टूडियो डॉट एच नाम का जो हेडर फाइल है इंक्लूड के अंदर है ही नहीं, अब इस चीज को रन करवा रहे हैं तो क्या आ गया, एरर आ गया, पहले रन किया था अब एरर आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, बैक जाते हैं और एंगल ब्रैकेट वाले को रन करवाते हैं, वो रन करता है कि नहीं, एंगल ब्रैकेट वाला सत्यम, सॉरी सत्यम वन डॉट सी, एंगल ब्रैकेट वाला जो है वो हेडर फाइल, इसको रन करवाते हैं, यह भी रन नहीं किया, क्यों रन नहीं किया, क्योंकि स्टूडियो डॉट एच इंक्लूड नाम के फोल्डर में है ही नहीं, तो फिर ये रन कैसे करेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे उसके लिए कि जो डबल कोटेड वाला जो है, डबल कोटेड वाला स्टूडियो डॉट एच है, उसमें पाथ देंगे हम लोग कि हमारा जो है वो पाथ क्या है हमारे सी का, हमारे स्टूडियो डॉट एच का पाथ क्या है, और वो पाथ देंगे फिर हमारा रन करेगा। तो हम लोग पहले अपना पाथ देख लेते हैं कि सी का पाथ क्या है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि कैंसिल करते हैं, यहां से थोड़ा बाहर निकलते हैं और हम अपना पाथ देखते हैं कि हमारा स्टूडियो डॉट एच को जिस फाइल में सेव किया उसका पाथ क्या है। तो उसके लिए क्या किया हम लोग गए लोकल डिस्क सी में और स्टूडियो डॉट एच का पाथ देखने के लिए हम लोग पहले टर्बो सी थ्री में गए। यहाँ पे देखे सत्यम में जो है वो मेरा स्टूडियो डॉट एच है और इसका पाथ देखने के लिए यहाँ क्लिक किए, यहाँ पाथ किए तो सी डबल कोट स्लैश टर्बो सी थ्री सत्यम स्लैश सत्यम, ये हमारा पाथ है। इस पाथ को हम लोग क्या किए कॉपी कर लिए और इस पाथ को हम लोग क्या किए इस पाथ को हम लोग डाल देंगे कहां इस पाथ को हम लोग डाल देते हैं डबल कोटेड वाले जगह पे। तो यहां पे डालेंगे तो हम लोग क्या डालेंगे, हम लोग डालेंगे सी शिफ्ट कॉलन स्लैश टर्बो सी थ्री स्लैश सत्यम, सॉरी स्मॉल फाइल में हमारा नाम स्मॉल था तो इसलिए स्मॉल में एस ए टी वाई ए एम सत्यम स्लैश स्टूडियो डॉट एच। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने अपना फुल पाथ दे दिया जहां पे हमारा स्टूडियो डॉट एच को नया तरह से रखे हैं हम लोग, तो अब ये हो गया। अब इससे शायद मेरा प्रोग्राम क्या करना चाहिए, रन कर जाना चाहिए, जो एरर बता रहा था वो रन कर जाना चाहिए। अब इसको रन करवाए तो बहुत ही अच्छे तरह से रन कर गया, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्या किया, इस प्रोग्राम में पाथ डाल दिया कि हमारा प्रोग्राम में जो स्टूडियो डॉट एच है वो किस पाथ पे है, अभी इंक्लूड नाम के फोल्डर में है नहीं, वो स्टूडियो डॉट एच जो है वो सत्यम नाम के फोल्डर में, तो यहाँ पे हम लोगों ने पाथ दिया कि सी में टर्बो सी थ्री में सत्यम में
स्टूडियो डॉट एच है, और जब पाथ दे दिया तो ये ऑटोमेटिकली रन कर गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि पाथ के थ्रू हम एक्सेस करते हैं तो डबल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा वाले से करते हैं, और डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट अगर एक्सेस करते हैं स्टूडियो डॉट एच को तो एंगल ब्रैकेट से हम लोग इंक्लूड नाम के फोल्डर से उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो ये डिफरेंस था बेसिक। थैंक यू।